आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 3 पर चर्चा करेंगे। हे पार्थ, कायरता को त्यागो, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। या भगवान कृष्ण अर्जुन को स्थायी आत्मा की सकारात्मक प्रकृति के प्रति अनुपयुक्त व्यवहार को नहीं अपनाने को संदेश देते हैं। अपनी संवेदना की आदतों से मोहित होने के कारण उत्पन्न होने वाली इस कमजोरी को दूर करने के लिए अपनी आत्म नियंत्रण की ज्वलंत इच्छा शक्ति का उपयोग करो। उठो, अपने आप को इंद्रियों की मजबूती से ऊंचाई की ओर ले जाओ, जहाँ देवी चेतना का स्थान है। प्रथा के पुत्र पार्थ अर्थात अर्जुन यहाँ अपनी संन्यास की शक्ति का प्रतीक। प्रथा महान राजा शूर की सुंदर और सच्ची पुत्री कुंती भोज को संप्रदान की गई थी, जो उनके निकट मित्र और अपने बच्चे की कमी को पूरा करने के लिए अपने पिता को छोड़ने के लिए तैयार। प्रथा का ये कार्य भक्त की संन्यास की शक्ति का प्रतीक है, जो अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए अपनी सबसे प्रिय आदतों को त्यागने में संकोच नहीं करता है। ये पार्ट इसलिए अपने आप को इंद्रियों की आदतों से उठाओ और अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए उच्चतर चेतना की ओर बढ़ो। ये भक्त संवेदना के सुंदरी के बगीचे में खोए नहीं घूमो। वे शुरुआत में थोड़ी मधु आनंद का वादा करती है, लेकिन अनंत दुख में विषाक्त है। उच्चतर आध्यात्मिक केंद्रों में जहाँ आनंद शुद्ध और अक्षय है, वहाँ लौट आओ। सोचो मत कोई बुराई नहीं, और किसी ऐसी चीज से संपर्क मत करो जो बुरे विचारों का जन्म दे सके। ये पार्थ, उठो, अपने ज्वलंत इच्छा शक्ति से अपनी संवेदना के शत्रुओं को जला दो। प्रणाम।